हमारा व्यूज कमा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। भाई थंबनेल पे सेक्स डालते हैं। हर चीज में सेक्स, कुछ और सोच ले भाई, कुछ और। टाइटल क्लिकबेटी होना चाहिए। 2017 में चलती थी वो वीडियोस, समथिंग एल्स। आई थिंक वी शुड आस्क आवर ऑडियंस, उनको हमसे ज्यादा पता होगा। आई हैव एन आईडिया। पहले ये बताओ कि कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद, ओके कितने टाइम के बाद आ रहे हो तुमसे वीडियोस में? बहुत बढ़िया, मुझे मैं तो मतलब आई एम फीलिंग वेरी गुड यार, टू सी ऑल यू गाइस अगेन, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्रू को भी मतलब इट्स अ वेरी सरियल, मतलब इसे कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट नॉस्टैल्जिया में जीना। सही में प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअली ब्रो, डैम ये तो थोड़ा माइंड पक कर दिया है यार। कैंसिंग हाउ डू फील? I feel at home, man. At home. Although when I that left, I said I'll never come back. But और कैंकी मॉडरेट करोगे, but पहले तो दो तीन सी चीजें हैं. First. दो तीन से चीजें. दो तीन. Whatever. Where are the beers, भाई? Everybody who comes on this podcast, उनको beer मिलते हैं. But हम तीन आए हैं, हम beer नहीं है. मुझे लगा इस time तक तो tequila तक पहुंच जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. Dude, they are holding a grudge against us. No. जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको beer के साथ conversation करने के लिए मतलब it's not important. तो बाकी सत्यम विश्वास अच्छे दोस्त नहीं है. Of course. इसलिए तो बोल रहा है. मुझे लगता है कैंकी की फट रही थी कि हम ज़्यादा drunk होके क्या क्या बोलते हैं. मेरे को लगा कि मैं actually conversation को ना मतलब steer नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इस वाले में दारू हटा दिया, थोड़ी beer हटा दी. तो इतने दिन से आप गायब थे अक्षय नायर, यहाँ आने के लिए आपने क्यों बोल दिया? हाँ यार ओ वाह, क्या ये शेर और शायरी चल रही है यार? जब बुलावा आता है दोस्तों के तो मैं ना कैसे बोलूं? अरे बहुत बार बोल चुका है मैं ना कैसे बोलूं? दरवाजा खुला था तो मैं कैसे ना खोलूं? वाह बहुत ऐसी दोस्ती को ऐसे पॉडकास्ट में ना तोलो। सॉरी यार ये तो थोड़ा लाल और हरा बाथरूम में हमने मैंने कहा यार ये तो शेव कर रहे बट आई डोंट नो मतलब हाउ टू शेव अच्छे से, मतलब आई एम नॉट आई लाइक ट्रिम विम कर रहे थे बट शेव नहीं है। कोई नहीं भाई ऑफिस में ना जो लोग बोरिंग काम भी करते हैं, मतलब फाइनेंस वगैरह जो एक्सेल पे काम करता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि वो बहुत बोरिंग काम है, नो ऑफेंस, बट तू सोच रहा है कि एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पे हर दिन कुछ अलग हो रहा है ना, यहाँ पे वो थोड़ा अनॉय भी होते थे क्योंकि हम इतना हल्ला मचाते थे, बट हु वाज द व्हाट वाज द गाय हु ही यूज्ड टू कांस्टेंटली स्माइल यू लाइक ही वाज टू काम करते करते ही वुड एंजॉय द शो। मैं भी यूज्ड टू हो रहा था उस एनवायरनमेंट से कि मुझे भी पता चल रहा था नई नई चीजें कि यार इस ऑफिस में सिर्फ काम नहीं हो रहा, काम के नाम पे हम लोग ऐसी बकचोदियां कर रहे हैं। सही बात है, नाम पे बकचोदी ब्रो। एक्चुअली एक बार मैंने अक्षय नेता को याद है हम एक वीडियो के लिए आए, हमें पता नहीं था कौन सी वीडियो हो रही है, एंड देन वी हैड टू मास्टरबेट। एक वीडियो था उसमें बेसिकली वी हैड टू ट्राई अडल्ट टॉयज, हमें ट्राई कर रहे थे क्या ब्रो, कैन यू स्टॉप एंड हम गए और फिर हमने लगा भाई यहाँ पे करना है क्या, मतलब अक्षय यहाँ पे नहीं चाबी लो, हमने कॉस्टो से चाबी ली, कॉस्टो के घर गए और हम ला गया। So that's I got wo tag team nahi tha bhai. Oh, that sounds really wrong. Yeah man. Sorry, okay. And let's keep it classy guys. Okay. Basic thing is ki hame bahut maza aata tha videos banane mein, matlab used to enjoy it a lot and used to love doing it. What do you think? Matlab tera kaun sa sabse badhiya tha jisme maza aa gaya bro? Ye to matlab that will connect to the fact that you didn't keep beer for a podcast. But we drank bhang for a full day on camera, bro. That was a good one. That was fun to watch as well. It was insane. It was freaking, it was magic, man. Woo!
Like who would have thought कि मतलब office space में तुम पूरे दिन भांग पी रहे हो and nobody can question you because you were told to. कहाँ होता है? Okay, decision में होता है. Plausible deniability legally. Those were the days. Yeah. लेकिन एक चीज तो सही यार बहुत सारे comments में भी आता था कि यार मतलब वी लव योर जॉब हम आपकी जॉब कैसे ले सकते हैं तो ये तो एक फैक्टर था ब्रो कि लोग मतलब जो पैसा कमा के जो चीजें करना चाहते हैं वी वर गेटिंग पेड टू डू दैट टू डू दोस थिंग्स बिल्कुल यस आप बताएं नहीं आपका व्हाट शुड आई से योर फेवरेट वीडियो माय फेवरेट वीडियो यार टू मेनी बट द वन आई एंजॉयड मेकिंग द मोस्ट आई थिंक वुड बी द ग्रेवयार्ड वन पेंट टू हार्ड अगेन मारो देख 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 वहां गया कुछ देख देख वहां लाइट लाइट इधर ओ अक्षय का जो उस टाइम पे जो बॉन्ड हुआ मेरे को लगता है उधर ही बन गया पीछे देख रहा हूँ तो मैं देख के कहता यार कितने कूल कूल लोग हैं यार एनवायरनमेंट अच्छा है मेरे को ऐसे यू दैट ओल्ड ब्रो ऐसा तो मैंने भी नहीं बोला यार यू वर इन कॉलेज यू आर मेकिंग वीडियोस नहीं मैं कॉलेज में था उस टाइम पे ये सोचता था करना क्या जिंदगी में तो मैं ऐसे वीडियोस देख के टाइम पास करता था स्कूप के वीडियोस शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस फिक्शन वीडियोस तब नॉन फिक्शन नहीं था फिक्शन चल रहा था मैंने कहा ये सब करना है जब मैं पहुंचा फिक्शन खत्म हो गया था और फिर नॉन फिक्शन मतलब ओके टेस्ट शुरू हो गया और मेरे साथ साथ तू भी आया था है ना रोहित विश्वास भी आया सादिक आई थी ऐसे बहुत सारे इट्स लाइक वन बैच आया था फिर वहां से ओके टेस्ट शुरू हुआ और तब से लेकर मेरी फिर बकेट लिस्ट भी मैंने उस टाइम पे बनाई थी क्योंकि उस टाइम पे कोई क्वेश्चन चल रहा था नहीं मैं करना है क्या तो बकेट लिस्ट में लिखता रहता हूं कि ये करना है वो करना है वो करना है कुंभ मेला वाला आइडिया मेरा था ओह यार दैट आल्सो वाज गुड तो ये सब चीजें मैंने लिख रखी थी कि ये सब कैसे करना है क्योंकि इन सब में तो बहुत पैसा लगेगा खर्चा वर्चा होगा इतना टाइम ही नहीं अपने पास ओके टेस्ट वाज द आइडियल स्पेस वहां पे मेरे को मिला और आई गेट टू एक्सपीरियंस और मेमोरीज बनी और वही हम लोग आज आज की डेट में ही 5 साल हो गए चेरिश कर रहे हैं वो सब चीजें सही बात है तो मेरे एक चीज एक वीडियो नहीं बहुत सारे वीडियोस ये तो है ब्रो जैसे ही जिस दिन मैं भी ओगटेस में आना था स्कूल में जब आया मैं देखते ही मेरे को लगा ब्रो ये जगह तो भाई अलग ही है ब्रो दिस इज लाइक आई मीन अ फिल्म है ना कि एकदम फिरंगी फिल्म के अंदर हो भाई कूल लोग हैं सारे कॉफी वॉफी पी रहे हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं मतलब भाई ये तो करना है मेरे को मतलब I felt really cool. In that office, you walk into a social network. अगर आप लोगों ने देखा है, हाँ भाई, वैसे ही ना, सब wired in है. So wired in because I wanted to ignore you guys, man. ओकेटेस्ट को थोड़ा साइड करते हैं आप ये बताएं कि आप ओकेटेस्ट से पहले क्या करते थे जैसे मैं तो मैं एंकरिंग ही करता था दैट वाज माय जॉब बिफोर ओकेटेस्ट आल्सो हाउ डिड यू मतलब व्हाट डिड यू डू बिफोर ओकेटेस्ट यार आई आफ्टर कॉलेज आई वेंट टू मेरे को आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर आई स्टिल वांट टू मेक फिल्म्स एंड आई वेंट टू बॉम्बे जो पूरा मतलब एक साल मतलब इन फेजेस बहुत धक्के खाए काफी धक्के खाए गॉट स्क्रूड वो फिल्म के बारे में बता यार तू जिसमें एडी था आई वाज इन टू आई एडिड इन टू फिल्म्स वन वाज कॉल्ड मिर्ज़ा एंड वन वाज कॉल्ड रुस्तम तो मिर्ज़ा में तेरा नाम आता है क्या क्रेडिट में नहीं नहीं दोनों फिल्म में नहीं आता वैसे तो ऐसा मैं इंटरस्टेलर में था आई वाज द डायरेक्टर इन इंटरस्टेलर हां ये भाई बात सही है बात सही है मेरा आईएमडीबी क्रेडिट अभी तक है ही नहीं बट होपफुली एक प्रोजेक्ट हो जाएगा तो वो आ जाएगा बट I was doing that and then I got screwed in the industry because I got films. I want to make films. I want to make films. Go to the film industry and holy shit. वहाँ पे you need to have something to be able to. मतलब the way they're making films is like quite fast and you got to be on top of this. तो मेरा दिमाग थोड़ा फट गया था. Came back Jan Feb में मुंबई से ना था क्या करूँगा क्या करूँगा. That time only Scoop had gotten funding. I think in November and then I got an interview. With Mr. Barman, Prithvish. And it was very beautiful, yaar, because he and that time I was very sad. I was going through a period of heavy depression, matlab, and on my interview, he said, what do you want in life? I said, I just want to be happy. That was a time where I was like, I just want to be happy. Wow. And I got the gig, and when he was leaving a few years later, Prithvish, he's like, you know, Akshay, I hired you only because of that answer. सब लोग कहते हैं कि आई वांट टू अचीव दिस गोल आई वांट टू अचीव दैट गोल बट नो वन केम टू मी लाइक
कॉन्फिडेंस इश्यूज एटसेट्रा एंड मैं बोलता ही नहीं था तो पृथ्वी कहता था अक्षय कुछ तो बोल कुछ तो बोल और फिर जब वो जा रहा था कुछ साल बाद कहता था कभी कभी ना कब बोल burst of energy yeah that was like I think like a like wo jo the boomerang type of thing after all of that then yeah so yeah man yeah there was a time where I used to be very very quiet but that experience also made you a man no then I guess yeah see I don't know Ben Biswas is sitting here so I don't want to say these kind of things but you know the बॉम्बे एक्सपीरियंस इज ऑलवेज लाइक इतना धक्का लाइक एंड देन यू गो टू गोरेगांव एंड देन यू कम बैक इन लोकल दैट्स इट मैन यू कम बैक अ चेंज्ड मैन यू कम बैक अ चेंज्ड पर्सन आई कांट रिलेट विद दैट कि मैं मुंबई कभी गया नहीं हूं मतलब यू हैव नेवर गॉन टू बॉम्बे मतलब आई बीन टू बॉम्बे मैं क्या मिल जाता था उसमें मैं ओके डेज से पहले मैं बॉम्बे में एक साल मैंने बिताया था और मैं वहां पे मैंने एक्टिंग कोर्स किया था नॉट एनीमोर बिकॉज आई कीप सर्चिंग अब मेरा ही कॉन्टेंट नहीं मिल रहा है लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इट वॉज वे बैक अराउंड 2011 में था ये चीज और वो मेरे लिए सबसे सरील एक्सपीरियंस था क्योंकि क्या हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है साम करण कुंद्रा मेरे उस टाइम पे भी और अभी भी काफी बड़ी चीज लगता था मुझे तो मैं करता था उसके साथ मैंने काम किया इतने बड़े बड़े लोग थे गुड एक्सपीरियंस मैंने कहा चलो सेकंड शूट करते हैं बट फिर मेरे को वही लगा कि यार आ जाते हैं वापस आ गया था फिर मैं मुंबई से आई यूज्ड टू प्ले म्यूजिक So that was that, and that's why I went to Bombay also because there was this Metallica opening in playing in Delhi thing, and for Metallica, that there was a Metallica ka opening. मतलब Metallica was supposed to play in Delhi, हाँ. and there was this competition for bands to open for them. अच्छा. And लोग guitars ढूंढ रहे थे भाई उसके लिए apply कर रहा था तू. नहीं यार मैं एक band में था तो उसमें so then we had to go to Bombay for 1 month, हाँ. and they put us in they put 5 dudes in one hotel room for Orgy. 1 month. Yeah. Yeah, every day, man. Yeah, every day, dude. It was nasty, man. By the end, we were shooting rockets and all inside the room, man. And like, it was weird. And it was in Goregaon, which is why I have such bad memories. And as soon as I'd leave the hotel, some cop would come and bust me, and for no reason. And but somehow we ended up winning that competition, bro. Yeah, after wow. 1 month there, and then. We played. We almost opened for Metallica in Delhi, and then वहाँ पे riot हो गया. And then the gig got cancelled, and then I got disillusioned with the music industry in general, and then I came to Scoop Poop. Interesting, guys. I've got background. Yeah, wow. Almost opened for Metallica. I did. I actually did open for them in Bangalore, but that was so bad that because they hate Delhi people. So I don't really like to talk about it. So yeah. So then that happened, and then a sea of like 10,000 middle fingers went up. And I was like, bro, okay, I'm shifting, man. I'm pivoting. It's a tough crowd, yeah. It's a tough crowd. That's 10,000 tough crowd. Yeah, yeah. 10,000, bro. So then I liked writing. So then I joined Scoop Poop, man. Mm. And the rest is ancient what history. What is your first impression of Akshay? First impression is, hey, nodule de, nodule de. Nodule? Nodule kaha? Abhi nodules, yeah. Achha, nodule. Okay. It would be he would magically appear anytime there was any kind of food next to me, man. Because these guys were always eating, na. Sitting and eating. We had to eat on camera, na. All camera. So, kabhi-kabhi off camera din se. Yeah, and you guys better keep talking because I haven't eaten today morning and my stomach's going grrr and I know sound man can hear it, man. Burger hoga, bro. Matlab tere ko khana. Haan, main kha lunga. अब एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर देते हैं मैनी मतलब द अदर एलिफेंट इन द रूम्स एंड लेट्स ओपन द कैन ऑफ वर्म्स
तो यार देखो एक चीज तो हुई थी कि अंतल भाई ने वीडियो निकाली एंड बुरा लगता है भाई, मतलब हम उस टाइम पे वी वर स्टिल वर्किंग, अंतल भाई अपनी जगह 100% सही थे क्योंकि उनको अनफॉलो कर दिया था ओके टेस्टेड ने, व्हिच वाज रॉन्ग, व्हिच वाज अ रॉन्ग डिसीजन, या एंड फिर कमेंट्स एकदम आने लगे कि यार ओके ओके टेस्ट में ऐसा होता है वैसा होता है, तो जितनी भी अच्छी चीज हुई ओके टेस्ट में 5 साल में वो एकदम ही मतलब या तो उसके बाद व्यूज काफी ड्रॉप हुए थे मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। I don't think that was a tipping factor जब हमारे व्यूज कम हो रहे थे। वो तो always already हो रहा था कोविड के टाइम से। I don't think Anthil bhai like intent was wrong। Yeah yeah। मतलब किसी बंदे ने 5 साल दिए हैं। Yeah after somebody who's worked for so long, what do you expect in return यार? You know and then you do that, of course they are going to retaliate। जो भी किया, सही किया गलत किया पता नहीं है। मैं जूनियर हूँ उनसे भाई, मुझे पता नहीं सही वो। लेकिन भाई मैंने एक ही चीज सीखी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, सब लोग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं अपने। मैंने जो चीज सीखी है कि इफ यू ever switch an organization, never say anything bad about the previous organization. Can I tell you what I thought? Yeah, yeah, go ahead. You guys were like little hurt, upset. I was like, drama! Yeah. I was like, popcorn, lo, coke, lo, let's watch this video. Because I have no bad blood with Anthil, okay? So yeah, I was just like, I was curious. That's actually very relatable because I was completely removed. Or aisa nahi hum mere bare mein kuch bol rahe hai. So I was totally out of it. I was like, maza aa raha hai, let's watch, what is it? Sahi baat. Ye sahi. I didn't know the inner workings of OK Tested at all. I used to come for video and then I used to get out of the video. That's it, man. There was nothing else. You know, I didn't know that Anthil had left. I didn't know anything. I didn't even know that he'd put out a video. Even when that video came out, I was like, "Abey, boring. I don't want to watch it." You know, because I didn't know what the fuck was going on with you guys, man. So you guys do chukli, and that's great. इसलिए मैं इतना बोर हो रहा हूँ यार यहाँ पे. हाँ मैंने तो आइडिया दिया था कि एक मॉन्टाज बनाते हैं हमेशा व्हेन समवन लीव्स मेक अ मॉन्टाज सो दैट यू रिमेंबर देम उनके लिए वो मतलब मैंने भी सोचा था यार कि ओके टेस्टेड छोड़ के मैं भी वीडियो बनाऊंगी व्हाई आई लेफ्ट ओके टेस्टेड एंड आई विल गेट मिलियन व्यूज ये आइडिया तो काफी सही है ये अक्षय ने ही दिया था हां ये अक्षय मेरा प्लान था हां हमारा प्लान था व्हाट गाइस या बट देन आई वाज लाइक नहीं नहीं नो देन वी लेफ्ट द डोर ओपन नाउ टू कम बैक लेकिन सही है मतलब एक फोटो में अंतल भाई को भी बुलाया जा सकता है किसी दिन हां ऑफ कोर्स समडे मस्ट यार इट विल बी फन बिकॉज़ we were all together building something and I think that was a good experience yeah because and at set everybody was fun bahut baar aisa log bolte hain ki yaar aapke idea to similar hain unhone ye video kar diya aap ye video matlab sare idea jo the pehle wo sab same excel sheet pe hi सब डिस्कस करते थे तो आइडियाज तो यार आइडियाज तो ऑलवेज बॉन्स ऑफ ऑफ ईच अदर मतलब वो तो हो गई या आई मीन हमने भी कॉपीराइट थोड़ी है किसी का आइडिया पे हमने भी बस वीडियो कितना टपाया है गाइस आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट आई वाज लाइक वी आर नॉट द फर्स्ट पीपल हु थॉट ऑफ फर्स्ट टाइम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली एग्रीड अब ये बात कर सकते हो कि बिहाइंड द सीन्स पे आ सकते हो थोड़ा कि जो बात किसी को नहीं पता है कुछ और जूसी जो ऐसी चीजें हुई हो जो किसी को नहीं पता है मैं जानना चाहता हूँ कि कौस्तुभ का मेरे लिए रियल ओपिनियन क्या है आई वांट टू नो दिस भाई तू कटवा देगा नहीं कर मैं डाल दूं मैसेज डाल दूं आर यू रेडी टू हैंडल इट या या आर यू रेडी टू हैंडल इट या या बोल दो कौस्तुभ बोल दो जो आपने मुझे बोला था मैं बहुत अनफिल्टर्ड आदमी हूं यार तो मैं चाहता हूं मैं बोल भी दूंगा फिर तुम लोगों को दिक्कत होगी कैन आई गिव बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक व्हाइल यू से भाई देखो इट लॉ बी जस्ट बीप 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 तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यार देखो मैं और कौस्तुभ पिछले 5 साल से आई थिंक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑन कैमरा तो फाइनली कौस्तुभ तू एक्चुअली बता दे कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है तुम्हारे बारे में सोचता क्या मतलब जितना जब भी सोचता है जब भी मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ मी कैन वी आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट दैट यू गाइस weren't actually best friends and were made to become best made friends made to become best friends and then uska best friend koi aur hai uska best friend koi aur hai matlab ha matlab yeah matlab itna sach bol raha hai kya bahut sakta hai nahi pavitra mere beech mein kuch bhi nahi tha kuch nahi hai we hyped it up yaar wo to नहीं 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 मैं तुम्हें बता देता हूँ सटल तरीके से बता देता हूँ एकदम से इसका कोई सेंस नहीं ना बोलने बोलने नहीं नहीं इसका एक सेकंड इसका कोई सेंस बनता नहीं है तू कंटिन्यू करो इसका कोई सेंस नहीं बनता एकदम से बोल देंगे हम लोग कभी बेस्ट ऐसा है नहीं है हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं थे और रहेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनली पहले मतलब वैसे भी बात ये है कि जिंदगी में ना बहुत नई नई चीजें आ जाती है डेवलपमेंट हो जाती है अपनी पर्सनल लाइफ डेवलप हो जाती है कि भाई की गर्लफ्रेंड जब से बन गई तब से किसी को मतलब नहीं है इससे है ना जब से गर्लफ्रेंड आई है इसकी जिंदगी एक ऐसा एरिया फिल हो गया है इसको सच में मतलब नहीं है और ना ही है तुम लास्ट टाइम कब आए थे मेरे घर पे ये बताओ तालियां बज रही है कैमरे के पीछे से भाई आंखों में आंसू आ रहे हैं देयर मस्ट बी अ कोच टू दिस ओह डैम डैम
जब ऑफिस चलता था, जब जो आप ऑफिस देखते थे ओके टेस्ट का ओजी ऑफिस जो आप देखते थे, वो मेरे घर के जस्ट बगल में था और मेरे घर पे हर दिन या किसी ना किसी बहाने से ये भाई साहब रहते थे और अभी भी आते जाते रहते हैं कई लोग. लेकिन बहुत टाइम से मैंने तुम्हें मैंने अपने घर पे नहीं देखा, तो घर पे आओ ताकि लोगों को लगे और मुझे भी लगे कि हाँ अभी भी वो बात है. लेकिन मैं समझता हूँ इतना मैच्योरिटी आ गई है सबके अंदर कि सबकी लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है, स्पेशली कोविड के बाद से सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए. मैं भी रिलेशनशिप में आ गया हूँ, ये भी आ गए हैं, ये भी आ ही गए हैं, ये भी हैं, है ना. और आप हम लोग की क्या कहे, हम लोग अभी 30s में है ना, अपने अपना अर्ली 30s में हम लोग अपने अपने. मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब इसने बहुत हैवी बात, मतलब अब तो मैं तो मुझसे बुलवाओ तो मैं बोल दूं. नहीं नहीं तो सही कह रहा है. वेल नाउ यू नो दैट योर फ्रेंड इज मिसिंग यू. मेरी बात अक्षय, तू बोलता मैं खाना नहीं देता. इस संडे को मेरे घर पे पार्टी है, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, प्लीज ऑन कैमरा आई एम सेइंग जनरल संडे गणेश और पार्टी अपना एड्रेस दे दो यार. गणेश के बहुत बढ़िया, अपना एड्रेस भी बता दे, देन एवरीवन कैन शो. 5 साल हो गए, 5 साल हो गए कनिष्क ने एक भी पार्टी नहीं दी है. एंड देखो ये पॉडकास्ट दोस्ती सिर्फ एक साइड नहीं होती, दूसरी साइड से भी होती है. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कनिष्क को कौस्तुभ में वो केमिस्ट्री नहीं है, तो ब्लेम है. I think the title of this video will be changed to What the fuck happened to Kanishk and Kaustubh? No, इसका मतलब ये नहीं कहा है hate him और मैं इसको दोस्त नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ और मैं इसके साथ comfortable इतना ही हूँ क्योंकि इतना comfortable तभी तो मैं ये सब बातें बोल पा रहा हूँ इसके मुंह पे, क्योंकि समझता भी कहीं ना कहीं और ये गाली बकता है तो मुझे बुरा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत बक चुका है मेरे पीठ पीछे भी. But sorry bro, मतलब I'll make sure कि हम I'm not but going to ask Kaustubh about myself. I'm going to ask Kaustubh. I'm going to ask Kaustubh. No, I'm going to thank you because I've... I've got a meeting actually, so I'm just going to... लगता है अब podcast खत्म करने का समय आ चुका है. Butter Chara has to leave. Man, you guys can continue because I'm... Pod fast के लिए we're finishing it now. Honestly, dude, I... हाँ, तो ये कर लेते हैं. थोड़ा बट्टा से बात करो ना फिर. अरे अरे हाँ कर. अरे तो बहुत बढ़िया है ना. बट्टा तेरे को जाना चला या फिर रोहित विश्वास को यहाँ बिठा दो. हाँ हाँ. रोहित पर रोहित. Yeah yeah exactly. रोहित पर रोहित. Please swap. Oh yeah. Thank you for the standing ovation. यार better हो better हो better. Thanks thanks. तो विश्वास देख, पिछले भट्टाचार्य ने कुछ नहीं बोला, तू उसका रिप्लेसमेंट है. अभी तू यू स्पिल सम स्पेस. दिस जस्ट फील्स लाइक माय जर्नी इन ओके टेस्ट इट. तुम लोग बहुत टाइम से वीडियोस कर रहे थे, एक दिन भट्टाचार्य नहीं था तो मेरे को बुला लिया. Such is life. What a journey. What a journey. तो बताओ विश्वास. I think Kaustubh on our all behalf has done enough. बहुत बधाई भी भाई. मैं वही नहीं चाह रहा था कि मैं अकेला बोलूँ तुम लोग ऐसे nice nice guys. ऐसा आपने कुछ नहीं बोला, ऐसा इतना कुछ offensive नहीं बोला आपने. नहीं नहीं तूने बिल्कुल सच बोला है, तूने मेरे दिल की बात भी बोली. मैं वहाँ से ताली बजा रहा था. वो तालियाँ मैं और पांच बजा रहे थे वहाँ से. वो मोहब्बत तुमको नए रास्तों पे ले जाता है, तो मतलब वो रील है देखे इमो बॉय ऑफ इंडिया रेप्टाइल्स ऑफ कुल्ला जब दोस्त रिलेशनशिप में होता है यार, ऐसा सबके साथ होता है. सही बात. एक्सिलरेटिंग एपिसोड 2 घर में चल रहा है. लूज योर फ्रेंड्स. नहीं नहीं होता है सबके साथ होता है. टेंसिंग आल्सो हैज बीन फ्लाइंग फॉर अ व्हाइल. Quite a boyish behavior, but okay. That is तेरे को किसके साथ मजा नहीं आता बिल्कुल एंकरिंग करने में? मेरा नाम नहीं ले सकता. तू बता दे यार. I think. हाँ तू तो बोल देगा नाम. तू बता दे. मतलब including मैंने if you want. So initially I thought like Akansha is not very fond of me. In a very beginning, ठीक है, जब मैं कैमरा के पीछे रहता था, she was in front of the camera, तो हमारी थोड़ी बहुत ऐसी अनबन होती थी कभी कभार. Thank you. See, she told me once actually. Achha. Why doesn't she like you? I was like, I have no reason. So what if she, it's nothing other but she put in your head, man? Damn. Maybe, I don't know. But then I did a video with no, her. No, he already thought that. Achha. I already thought that. I shared it with her also. I just confirmed it. Haan, she confirmed it. It's like, yaar, what have I done? मैं इससे भी पूछता था, मैंने ऐसे क्या करा to earn this man? I don't know, I've always been nice to everybody. But then I was like, नहीं, ठीक है, but then we did a video together, वो बंजारा versus home center वाला, but the vibe was good. And since then, I think we've been nice only. Okay, I just think we were a video away from, you know, forming a friendship. Hmm. So that was it. जो जैसे जैसे shift करता ना conversation, बड़ा smart है यार. सही बात है. Very smart. But इसे याद आ गया हमारा जैसा पहला video था, क्योंकि तेरा और मेरा kebabs वाला. खाना पड़ेगा और मैं खाना चालू किया, मेरे को टेस्ट पसंद आ नहीं रहा. अक्षय कह रहा ब्रो दिस इज लाइक, व्हाट डू यू थिंक भाई? सो दिस इज मोर रेडर.
मरूना या टेस्टी है ब्रो। हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बट हाँ स्टार्टिंग में तो मेरी अक्षय की थोड़ी होती थी, मुझे भी एक शूट याद आ गया। वो कौन सा? मेरा अक्षय का नहीं, जिसमें मैं अक्षय और आकांक्षा थे और मैं बीच में थी, ठीक है, और हम लोग कुछ खाना कुछ ट्राई कर रहे थे, ठीक है, और कुछ लाइंस थी जो बोलना मैंडेटरी था, लाइक वी कुडंट शूट विदाउट इट। आकांक्षा सिंह मैं नहीं बोल रही, अक्षय सिंह मैं नहीं बोल रहा, और इन दोनों की फिर लड़ाई शुरू हो गई। प्रॉपर द वीडियो वाज द कैन यू गेस द वीगन या मीट, याद आ गया आपको? आई रिमेंबर दैट। आई रिमेंबर द पार्टी में आकांक्षा। आई थिंक आई हैव यू ब्लॉक्ड इट। आई ब्लॉक्ड इट यार। एक और वीडियो था, इट वाज अ स्पाइक फाइट जिसमें ये लोग आपस में काफी ऐसे, बट ये दोनों बहुत छेड़ते भी हैं एक दूसरे को। हां वी आर, वी गॉट दैट सिबलिंग वाइब काफी, मतलब लाइक तो करते हैं। आई थॉट इट्स जस्ट अ रेगुलर बैंटर दैट दीस गाइस आर हैविंग, बट वी यूजुअली डू दैट, बट आई थिंक इवन कॉजेस रिमेंबरिंग दैट वन। I remember that video. मेरे सामने ही लड़ते रहते थे। Holy shit, यार अब थोड़ा सा ऐसा दिमाग खुल रहा है। मैं तो किसी से लड़ता ही नहीं, मेरी सबसे बड़ी बनती तो है। अरे लड़ाई is a part of any relationship, यार. Of course, that's true. You cannot have a functional relationship without some fights or some issues. Yeah, if it's all perfect, then it's a lie. Yeah, it's like कि अगर आप किसी के साथ अगर आपको कोई जरा सा भी कोई issues हैं, लेकिन you chose not to discuss. That means you guys are not really connected. तो boss, आपकी लड़ाई की आपकी shoot पे किसकी से लड़ाई हुई है? आपके साथ, हमारे साथ। क्योंकि देखो यार, इसके मेरे जो boss उससे तो कुछ मत पूछ आज। मेरे भाई होती है। नहीं, मैं इसके साथ anchoring कर रहा हूँ, लड़ाई हुई है? ऐसा नहीं, इसके साथ मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ भी मेरी बहुत बहस हुई है, इसको भी मैंने हड़काया जब ये एंकरिंग कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इश्यूज मेरे सबके साथ होते थे क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इनके साथ डिस्कस करने में। कॉज तो मेरी कितनी लड़ाई हुई, तेरी मेरी कितनी लड़ाई। आई डोंट थिंक एनीबॉडी नोस दिस, मेरे और इसकी ऑलमोस्ट हाथ ऑफ पाइप आ गई थी एक बार। इट वाज द 120 बियर्स वाला शूट, नोएडा बॉयज जो लड़ाई करते हैं ना, तो 120 बियर्स वाला शूट था जिसमें विवेक और वो वीडियो थी। तो मैं शूट पे पहुंचा, विश्वास वाज लाइक, विश्वास का पता नहीं किसी बात से मूड खराब था, ये आया करिश बैठ जा। मैं भाई मैं मेकअप वेकअप कर रहा हूँ, करिश बैठ जा, तेरे को बोलता रहा हूँ। मैं ठीक है भाई मैं बैठ रहा हूँ, उसके ऐसे बोला ना, मैं नहीं बैठ रहा। सो आई एम कॉलिंग योर बॉस राइट नाउ, आर यू कॉलिंग? कॉल उसका विश्वास मेरे पीछे आया, विश्वास सुन मत कर, रोबत कर। He was like, कनिष्क सुधर जा, मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने कॉल कर, इसने कॉल कर दिया और बॉस आया। I'll tell you the truth, मैं तेरे को बाद में बताया भी था, मैंने कॉल किया नहीं था उस दिन, मेरे को अब लोग का कॉल आया था उसी टाइम पे। And he was asking me, what's happening? Why aren't you guys shooting? मैंने कहा तो तूने फोन नहीं किया था? मैंने उसे फोन नहीं किया था, अब लोग हैड कॉल्ड मी एंड आई डोंट इज आवर बॉस एक्चुअली। हां, एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस, वो ऑलरेडी ऑफिस में आ ही रहा था वॉल का कलर वाला चेक करने फॉर द बैकग्राउंड्स एंड ऑल। हां तो इट वाज अ कोइंसिडेंस कि वो आ गया, और तेरी मेरी लड़ाई उसके बाद थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि तुझे लगा मैंने एक्चुअली उसे बुलाया। मैं का प्रिंसिपल नहीं, तो खिसक गई ब्रो कि यार मैं तो मतलब बीवी सीन, हमारे बीच में ये सीन है कि हम फ्रेंड्स हैं, मतलब पहले कलीग्स थे फिर फ्रेंड्स बन गए, अब फ्रेंड्स ही हैं और साथ में काम भी करते हैं, तो ये कलीग और फ्रेंड वाले में ना कभी-कभी वो हो जाता है। But it happens when you spend so much time together, no, with two like each other, तब थोड़ी बहुत लड़ाइयां तो होंगी यार, it's very normal. That's true. I used it, but वो वीडियो वेंट, मतलब वो क्रेजी रियली वेल, वीडियो वेंट डिड रियली वेल। एक वीडियो था जिसमें मैं अक्षय से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, गुस्सा हो गया था मैं, और रूट गया था। हाँ रूट क्या गया था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और भाई को पीना था, वो पंजाबी वर्सेस मल्लू वर्सेस पंजाबी चैलेंज। और इसने इतना पी लिया था कि मेरी सुनी नहीं रहा, किसी की सुन नहीं रहा। अब मैं कह रहा हूँ कि मिल गया कट कर दे, ये चुप ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद ड्रिंक्स आ रही है लेकिन ये सुन ही नहीं रहा। उसके बाद से मैंने बोला अक्षय तू कर रहा है या फिर मैं जाऊं, सुनेगा कि नहीं? और ये वो भी नहीं सुन रहा था। really? यार तू जा, असली पंजाबी है, बट ठीक है भाई, सही बात, काम काम है। क्योंकि लोग उनको संभालेगा कौन जो दारू पी रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ ज्यादातर डायरेक्ट, क्योंकि भाई मैं संभाल भी लेता था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर ये मेरे में बहुत ज्यादा होने लगा। तब होने लगा जब शिवम जरा आने लगा था, शिवम को वीडियोस में झेल सकते हैं लेकिन जब वो दारू पी रहा है तब मैं नहीं झेल पा रहा था, यानी कि यार यहाँ ज्यादा हो रहा है इसको, उसको रियल लाइफ में भी झेलना थोड़ा मुश्किल है दारू पी। सो यार ये बहुत बोल रहा है कौस्तुभ, डू वांट टू से, मतलब कौस्तुभ ये रोहित है, रोहित है ये, नहीं मैं ये कह रहा हूं कौस्तुभ बहुत बोल रहे हैं, तो आप इनकी कोई स्टोरी बताना चाहते हैं? तुम ही बता दो, बहुत सारी है, बट यू स्टार्ट, आई विल ऐड ऑन। ऐसा लग रहा है तू कुछ कहना चाहता है, यू स्टार्ट, नो यू स्टार्ट। कौस्तुभ का ना हर मतलब
शूट्स पे ना ब्रो इस बंदे का ना, अगर इसका ऑफ हो गया ना वो मीटर, अगर इसका ऑफ हो गया तो ये किसी की सुनेगा नहीं। मतलब कुंभ के वीडियो में याद रहो चार लोग कह रहे हैं कौस्तुभ तू गलत है, ठीक है, हम ये नहीं, हम अज्यूम नहीं कर रहे, हम तेरे को बता रहे हैं कि तू गलत है क्योंकि ये कौस्तुभ नहीं नहीं तुम कर लो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। कौस्तुभ वो ऑफेंड हो गया थोड़ा सा। I respect Kanishk opinion. भाई, and the problem is we are shooting right now, भाई. अभी मैं देख already बुरा मान गया। नहीं, देख ये देखा। कौस्तुभ ना बहुत जल्दी बुरा मान जाता है। बुरा बहुत जल्दी मान जाता है। और उनकी शक्ल पे देखने लग जाते हो, competition हार जाते हो। भाई, and the problem is we have to continue the shoot. उसके बाद वो दिखता है कैमरे में। Versus नहीं है। नहीं यार। See again, letting me speak. मैं तो बस हंस रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जिनके पास कुछ बचता नहीं है, पांच साल में एक चीज हुआ कुंभ वाला, वो हर वीडियो में आपको पुराने पॉडकास्ट नहीं नहीं आई कैन नेम थ्री वीडियो ऐसे आई वुड बी मैं बताता हूँ एक और वीडियो जो कभी गया ही नहीं आज तक, 5000 वर्सेस 50000 नाइट आउट, जिसमें वी वर सपोज टू डू द 50000 वाला नाइट आउट, जिसके एंड में ऑन कैमरा बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग ब्रो, यू रिमेंबर? अच्छा एक सेकंड होल्ड, विश्वास टेल मी, ऑलमोस्ट गाली दे रहे थे एक दूसरे को। ये बता मैं गलत था क्या? सही बताओ, मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भाई, भाई तू बता रहा हूँ मेरी गलती थी भाई, सारे सैस यहीं पे स्पिल हो जाएंगे मुझे लग रहा है आज ही भाई। हम लोगों को नाइट आउट के नाम पे हम लोगों को दो दो तीन तीन ड्रिंक्स पीनी थी। अब भाई का वर्जन उस टाइम पे थोड़ा सा ऑफ चल रहा था उस टाइम पे, तो एक ड्रिंक पीने के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाता था और ये थोड़ा सा रूडली मुझसे बात करने लग गया। ये भी है और ये मैं ऑलरेडी ऑफेंसिव हो जाता था और मैं ऑलरेडी थोड़ा सा पिस्ड था, ये मुझसे दारू पी के रूडली बात करने लग गया। बट मैं तेरे को पॉइंट कह रहा था, लेकिन शूट तरीके से बोल, मैं लखनऊ का हूँ मुझे चुपती है ये चीज़। अभी क्या बात है, 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 इतना था। सो गाइस, तुम्हें जूस चाहिए था ना, तुम्हें जूस चाहिए था, बैठ के तुम गॉसिप पेज अपना क्रिएट कर रहे हो है भाई, रे उसको जाके इंस्टा से गॉसिप में डालोगे लग रहा है। हां लेकिन अगर कोई मुझे हंस रहा है, इतना स्माइल कर रहा है भाई, लेकिन अगर मैं ऐसे ही करूंगा, अगर मुझसे बोलेगा कि तू तेरा काम है तू पिएगा तू पी, वो खत्म हो गई यार बात, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। बॉयज हॉस्टल का एक एपिसोड था जिसमें मुझे बोला गया था कि एक दिन पूरा तुम्हें रुकना है, मेरी बर्थडे थी उसमें एक दिन रुकना है, ये टास्क सब लोग कर रहे हैं जबकि मैं अकेला कर रहा था और मेरे साथ ऐसा प्रैंक हुआ था। अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बर्थडे पे ये सब करूंगा। वीडियो चल रही है, 6 घंटे इसको कमरे में बंद कर दिया है, इसको निकाला है और हमने इसके लिए सरप्राइज प्लान किया है, ठीक है। अब इसकी खिसकी हुई, इसने बोला कि मेरे बर्थडे पे तुम कैसे डिसाइड करोगे कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सत्यम आता है, बोलता है यार ये जो फेस वॉश है ये तेरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ना ब्रांड वीडियो। अब कौस्तुभ की खिसकी पड़ी है, ठीक है, कौस्तुभ लगाता है। सब अच्छा ही बोला है, अगर तुम लोग ध्यान से सुना हो तो बिकॉज ऑफ ओके टेस्टेड मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज भी बनी है और जो बुरी मेमोरी जो तुम लोग ट्रॉमेटाइजिंग, वो ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है, इट्स लाइक मैं वो चीजें बता रहा हूँ जहाँ पे तुम लोगों को ज्यादा मजा आया, मेरे को कम आया, लेकिन ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, ठीक है। अगर तुम करते तुम्हें एक 6 घंटे के लिए बंद करते तुम्हारी बर्थडे पे, तुम जो रिएक्शन देते वो कूल में रहते, लेकिन मेरा जो रिएक्शन था वो गोल्ड था, शायद वो चला। सबका बर्थडे एवरीबॉडी लाइक टू सेलिब्रेट डिफरेंट डिफरेंट, सम पीपल लव सरप्राइजेस, सम पीपल हेट सरप्राइजेस। मैं एक्चुअली सोच रहा हूं कि मैं फुला रहा हूं भाई, मैं पार्ट फुला रहे हैं गुब्बारे के भाई, कसो बर्थडे ये और मेरे को लगा यार इतनी मेहनत भी वेस्ट चली गई, ये बंदा भी गुस्सा हो गया। मैं बता देता हूँ ना कि उसके बाद जब गुलाब जामुन लेकर आए थे, नहीं पूरी मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता देता हूँ। हाँ बता, जो गुलाब जामुन जो मेरे लिए इन्होंने इतने अच्छे से गुलाब जामुन का केक बनाया था, उसमें आधे ज्यादा गुलाब जामुन इसी ने खाए थे। ये आपका एक, तो एक और इसके गुलाब जामुन पे तेरा क्या प्रॉब्लम है? गुलाब जामुन के लिए मैंने कितना पूछ लिया मैंने से, जस्ट लीव हिज गुलाब जामुन मैन, जस्ट लेट इट बी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन लोग हमने इतना किया खुद भाई, क्योंकि किया लीव हिज गुलाब जामुन आउट योर फकिंग माउथ। आई विल, लेकिन मैं भाई मेरे को एक बात बता, गुलाब जामुन भाई इतने बलून फुला रहे हैं ये कर रहे हैं, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट कर लेता तू, थोड़ा सा अप्रिशिएट मैंने सबको किया, ऐसा नहीं हो सकता मैंने नहीं किया, तूने सर कैमरा पे किया था उसके बाद तो गुस्सा हो गया था, उसके बाद शोले शोले देखे आप लोग, गुस्सा तो निकलेगा ही ना, ये थोड़ा उनका और भाई तू ये समझना कि मैं पर्सनली थोड़ी कर रहा हूँ, अबे मेरे को काम दिया हुआ है, डिफेंड कर रहा है अपने को।
सुनो दैट वाज वन सीन इन वन वीडियो वन शूट आई लव कनेश भाई आई नो इज अ गोल्डन पर्सन आई लव ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या फोन पे ये रिकॉर्ड हो रहा है अरे ये पहले दिख जाता है एंड आई एम वे टू कंफर्टेबल इन कन्फ्रंटिंग हिम देन एनीबॉडी एल्स ठीक है अब ये डिफेंड करता तो मैं भी और बोलता हूं एल चलता है मैं एक चीज तेरे को बताना चाहता हूं कि मैं पर्सनली मेरे को तेरे से कुछ नहीं है ब्रो आई लव यू I love you too. मेरा कुछ तेरे से पर्सनल वो नहीं है ब्रो कि मतलब कि मैं तेरे प्लानिंग कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने मेरे को काम दिया जाता है मैं उसको अपने अच्छे तरीके से हाँ हाँ बोलो हार्ड वर्किंग है एंड ही He really loves me. You guys, I love you. Justify, bhai, anything. Yeah. We love you. ये गाड़ी से बैग निकाला मैं बैग लेके ऑलरेडी आगे बढ़ चुका हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ खाली रोड है अचानक बस आई टर्न ले रही है और मेरे को ठोक देती कनेक्शन देख लिया पहले से एक्सपेक्ट कर लेती कि ये तो बहुत ही खतरनाक कनेक्शन ने बस आवाज दे दी कॉस तो और मैं पलटा और बस यहाँ से निकली मतलब लिटरली उतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसको पकड़ लूँ तो समझ रहा है ऐसी इश्यूज आते रहते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि इनका इनमें दोस्ती है लड़ाई ऐसा कुछ नहीं लेकिन हम हमेशा शॉर्ट कर लेते हैं अगर अगर आप किसी से आपकी कोई इश्यूज नहीं है लड़ाई नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है एक तू बता सकता जब तूने एक बार तो बट थोड़ा कनिष्क को मैंने ऑफेंड कर दिया भाई जक गई थी ब्रो क्योंकि कनिष्क वाज ऑलवेज दिस हैप्पी गो लकी गाय मुझे लगता कोई भी चीज कनिष्क को ऑफेंड कर ही नहीं सकती कभी भी एंड आई यूज्ड टू डू प्रैंक्स बट वंस आई limit the crossed I guess you limit the cross by in the middle of the highway when we were coming back from Satyam's birthday trip remember we were coming back so Kausav was like main record kar raha hu jaa kar Kanish was talking on the phone over there thoda dur mein Kausav was recording it on his shorts pehne hue hain theek hai main chal raha hu main phone pe hu kattu main niche dekhta hu meri pant niche utar gayi hai bro I turn and this was like and main chal ye bhi theek hai kattu Kausav piche se aise zoom in kar raha hai aise ye भाई देखो एक बात बताओ ये सब तो चलता है नहीं उस मोमेंट रे आए भाई सब तो चलता है That video was actually funny, मतलब. But it honestly feels like a fucking college, dude. 5 साल से ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज में. हम DJ भाई सारे के सारे. सब कॉलेज छोड़ देते हैं. Existential crisis में मत जाओ दोस्तों अभी. I don't know. Damn. Long journey, bro. But welcome back. Thanks, man. I know. Welcome back. Akshay and Tenzing, how do you feel? कैसा लग रहा है इतने time के बाद? बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा है कि वो सेशन में आया हूं काउंसलिंग काउंसलिंग सीन्स में आया हूं आई तो ऑनेस्टली लाइक मिस्ड यू गाइस cuz आई यूज्ड टू सी योर स्टोरीज ऑफ यू गाइस वर्किंग टुगेदर एंड आई वाज लाइक डैम also cuz Amrit and Nihar ka were like really close to me and they used to be at shoots I was like I miss that and you guys but yeah I will same it's always great to see you guys matlab and matlab there's a lot of love I've seen you guys occasionally outside of this shoot also to itna wo nahi lag raha mere ko but I think Tenzing meeting us after a very long video yeah. Kaise end karte hain jaise Kausav ne start kiya tha ki ye moment bada nostalgic moment present mein nostalgia present wala very nice beautiful friends I think so hopefully okay tested won't be bad anymore yeah ha basically yeah I think ki audience yaar aap log batao yeah what are your expectations what kya dekhna chahte ho is channel pe aisa kya bacha hai jo kyunki we are also running out of things jo humne nahi kiya already last words sir aur main yahi bolunga CTA ke liye bolunga ki bhai support karoge to hum aur acha videos banayenge nahi support karoge to bekar video banayenge to hume mat gali dena aap log kya kar raha hai bhai costume the new face I'm loving this new version unfiltered with Kausav Chaturvedi तुम लोग जैसा दोगे हम वैसा ही तुमको देंगे आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा कंटेंट आएगा आई एम कोई शब्द नहीं है तो स्पीचलेस आफ्टर कॉस्ट I'm flabbergasted the whole thing but it's been a lovely evening bhai talking with you guys and बहुत मस्त मतलब ऐसा एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप हो गया है नॉस्टैल्जिक विद You know different things under nostalgia swept under the carpet suddenly Akshay doesn't miss us anymore and I don't know main bahar hi theek hai yaar kyun are yaar tum log se tumhe milta hu na but ha but I miss shooting with you guys though this was a lot of fun Dr. Biss my last words are if you enjoyed this video don't forget to like the video share it with your friends comment down below and don't forget to subscribe too
ओके टेस्ट इट और प्लीज वो अपने फैमिली ग्रुप में ये वाला वीडियो शेयर करना स्पेशली कॉस्ट्यूम्स पार्ट सी दिस कॉस्ट्यूम्स पार्ट मैंने एक साल में ये नहीं करा है अक्षत भी के पैसे देगा भाई मैंने एक साल में ये नहीं करा है ओ ये मुझे ट्रॉमा हो गया था एनीबॉडी इज आस्किंग ये कैसे इंसर्ट या उंगली ऐसे हो ही नहीं रही है कुछ हो गया टेस्ट आएंगे चलो सही है इंशाल्लाह वेरी गुड गाइस छोले कुलचे खाते हैं हाँ यार चलो